हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र प्रजापति आज आप लोग को सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपको पढ़ाएंगे फ्लैजिला इन एल्गी के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात आती है फ्लैजिला। फ्लैजिला किसे कहा जाता है, फ्लैजिला का काम क्या होता है। फ्लैजिला का काम ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या बोलते हैं, द फ्लैजिला इज ए लोकोमोटरी आर्गन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले द फ्लैजिला इज ए लोकोमोटरी क्या होता है, आर्गन। ठीक, अब बात आती है कि फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है। द फ्लैजिला आर प्रेजेंस इन या फ्लैजिला आर फाउंड इन, द फ्लैजिला आर फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल। कहाँ पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक, यह लिख सकते हैं गैमेट एंड जू स्पोर। क्या लिख सकते हैं, गैमेट एंड जू स्पोर। ठीक, अब बात आती है कि फ्लैजिला कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्लैजिला कहाँ नहीं पाया, ये एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है जी, कि फ्लैजिला कहाँ नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अलावा, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक, साइनोफाइसी को क्या बोल सकते हैं, मिक्सोफाइसी। क्या बोल सकते हैं, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी ओ आर आर बी जी ए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। साइनोफाइसी में ओ आर आर मिक्सोफाइसी, ओ आर आर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रोडोफाइसी फ्लैजिला क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक है, देखो जब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोटाइल। फ्लैजिला आर प्रेजेंट, आर कॉल्ड एज मोटाइल। यहां लिख सकते हैं, देखो फ्लैजिला आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंस, आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, मोटाइल। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्लैजिला जब अब्सेंट होता है तो क्या बोला जाता है, नॉन मोटाइल। फ्लैजिला आर अब्सेंट इन द एल्गी आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल। क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोला जाता है। ठीक, इतना समय आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो फ्लैजिला की ओरिजिन जहां से होती है, द फ्लैजिला आर ओरिजिनेटेड, आर कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाता है, ब्लिफेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट। फ्लैजिला की जहां से ओरिजिन होती है, द फ्लैजिला, थर्ड पॉइंट था, फ्लैजिला आर ओरिजिनेटेड, आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, अब बात आती है फ्लैजिला किसका बना होता है। फ्लैजिला जो होता है एक प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहां लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आपको दिखा दे रहे हैं, द फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक, किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और एग्जाम में पूछा जाता है जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है वह कैसा होता है,
फ्लैजला का जो अरेंजमेंट होता है, द फ्लैजला आर सोज, लिख सकते हैं दे सोज 9+2 अरेंजमेंट इन एलगी। क्या होते हैं दे, फिफ्थ पॉइंट आपको दिखा दे रहे हैं, दे सोज 9+2 अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब बात करते हैं पोजीशन के आधार पर देखा जाए, जो फ्लैजला होते हैं वो क्या होते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन जब बात आती है, देखिए, द नंबर ऑफ फ्लैजला वेरीज फ्रॉम, द नंबर ऑफ फ्लैजला वेरीज फ्रॉम, एक से लेकर के चार हो सकते हैं, और आर मेनी। कहाँ पाए जाते हैं, ओडोगोनियम वाउचेरिया में पाए जाते हैं। मिटा के बता रहे हैं आप लोग को, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को पूछ सकता है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जी आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए जी। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हो गया हमारा, सिक्स स्टेज पे चलते हैं, जो हमारा है अगला पॉइंट है उस पर बात करते हैं क्या होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लैजला वायरेज, सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फ्लैजला वायरेज फ्रॉम फ्रॉम 1-4 टू मेनी, कहां पाया जाता है, ओडोगोनियम, कहां, ओडोगोनियम एंड वाउचेरिया, एंड वाउचेरिया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो फ्लैजेला जो होते हैं विप्लैश एंड टेंसिल होते हैं, क्या होते हैं, विप्लैश एंड टेंसिल। अब देखो विप्लैश को क्या बोला जाता है, एक्रोनिमेटिक, और टेंसिल को क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमेटिक बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमेटिक बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं, देखो देखो क्या होता है। नेक्स्ट, फ्लैजला आर टू टाइप्स, कितने होते हैं टू, पहला विप्लैश, विप्लैश को क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक, क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक फ्लैजला। ठीक, एक्रोनिमेटिक फ्लैजला किसे कहते हैं है? या विप्लैश फ्लैजला किसे कहते हैं, जब फ्लैजला क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं या मैस्टिगोनियम्स एब्सेंट होते हैं, तो उस फ्लैजला को क्या बोला जाता है, विप्लैश या एक्रोनिमेटिक बोला जाता है। जैसे आपको एग्जांपल में दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे फिगर ड्रा करके देख लीजिए, ये देखिए, ठीक, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहां से फ्लैजला की ओरिजिन हो रही है यहां से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट बोला जाता है। लेकिन फ्लैजला क्या है, स्मूथ है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, विप्लैश या एक्रोनिमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, टेंसिल, क्या बोलता है, टेंसिल ओ आर आर, क्या बोल सकते हैं आप लोग, टेंसिल ओ आर आर प्लूरोनिमेटिक फ्लैजला, क्या हो सकता है, प्लूरोनिमेटिक फ्लैजला। ठीक, अब क्या होता है, प्लूरोनिमेटिक क्या, टेंसिल फ्लैजला कैसे बोलते हैं। ठीक, देखो जिसमें क्या होता है, मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं या छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लैजला को क्या बोला जाता है, टेंसिल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजला बोलते हैं। जैसे आपको यहां दिखा दे रहे हैं, फिगर ड्रा करके आपको बता दे रहे हैं पूर्णतः। ठीक है, इसी में देख लीजिए आपको, ठीक, इसी फिगर में देख लीजिए, यदि यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे मैस्टिगोनियम्स, ये देखिए प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक, देखो प्रेजेंट है कि नहीं, जब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनियम्स बोलते हैं। जब मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं फ्लैजला पर, तो उसे क्या बोला जाता है, टेंसिल बोलते हैं या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजला बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है, देखो बात करते हैं मैस्टिगोनियम्स के आधार पे जो होते हैं फ्लैजला, थ्री टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, थ्री टाइप के,
किसके आधार पे? मैस्टियो नेम्स के आधार पे। ठीक है, देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, देखो पहला क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? पैंटोनीमेटिक फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पैंटो, पैंटोनीमेटिक। दूसरा क्या हो जाएगा? पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला। दूसरा क्या हो जाता है? पैंटो क्रोनीमेटिक। और थर्ड क्या हो जाएगा? साइटोनीमेटिक फ्लैजेला। क्या हो जाएगा? STICH नीमेटिक फ्लैजेला। क्या होता है? फ्लैजेला। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात आती है पैंटोनीमेटिक फ्लैजेला किसे कहते हैं? वह फ्लैजेला जो क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ हेयर्स। क्या होते हैं? द फ्लैजेला विच आर या विच शोज रेडियल अरेंजमेंट ऑफ हेयर्स आर कॉल्ड एज पैंटोनीमेटिक फ्लैजेला बोला जाता है। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, फिगर ड्रा करके बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैस्टिगोनेस दोनों साइड प्रेजेंट हैं, दो फ्लैजेला निकले हुए हैं। ठीक, देख लीजिए ये दिख रहा है। तो इसे ही क्या बोला जाता है? पैंटोनीमेटिक फ्लैजेला। रेडियल अरेंजमेंट होता है आप हेयर्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? पैंटोनीमेटिक फ्लैजेला बोला जाता है। दूसरा देखते हैं पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला। पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला किसे बोलते हैं? ठीक है, देखिए पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला का मतलब क्या होता है? वह फ्लैजेला जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टर्मिनल फाइबर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल फाइबर पाए जाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला बोलते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल फाइबर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल फाइबर। यहां क्या हो जाता है? रेडियल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है, और यहां क्या होता है? टर्मिनल फाइबर पाए जाते हैं। देखिए कैसे होता है, इसका आपको फिगर ड्रा करके बता दे रहे हैं यहां पे, देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए यहां दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, एक ही फ्लैजेला है और दोनों तरफ क्या होते हैं? मैस्टिगोनियम्स पाए जाते हैं। एक ही फ्लैजेला ना, और दोनों तरफ क्या होते हैं? मैस्टिगोनियम्स पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पैंटोनीमेटिक, पैंटोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला बोला जाता है। ठीक, और लास्ट में देखते हैं साइकोनीमेटिक फ्लैजेला किसे कहते हैं? साइकोनीमेटिक फ्लैजेला। देखो जिसमें क्या होता है, लास्ट में जैसे फिगर ड्रा हुआ है, सिर्फ एक ही साइड, ओनली वन साइड मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देखो ये ड्रा किए हैं फिगर पूरा का पूरा। ठीक, सिर्फ एक ही साइड, ये देखिए सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है, नहीं एक साइड प्रेजेंट है। जब एक ही साइड मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? साइजोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साइजोक्रोनीमेटिक फ्लैजेला बोला जाता है। ठीक, किसी कोई दिक्कत हो यहां तक पूछ सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आइसोकांटी हेटरोकांटी के आधार पे। ठीक, क्या होता है? आइसोकांटी किसे कहते हैं? हेटरोकांटी किसे कहते हैं? ठीक, देखते हैं आइसोकांटी। आइसोकांटी का मतलब क्या होता है? जब आइसो का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, कितने लोग को पता है? ठीक, देखो आइसोकांटी हेटरोकांटी, आइसोकांटी और दूसरा क्या हो जाएगा? हेटरोकांटी। ठीक, देखो आइसोकांटी का मतलब क्या होता है? जब फ्लैजेला शेप और साइज दोनों में समान होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोकांटी। किसमें किसमें होते हैं? शेप एंड साइज। फ्लैजेला क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? आइसोकांटी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, यहां देख लीजिए फिगर ड्रा करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक, देख लीजिए
ठीक, देख लीजिए, ये देखिए फ्लैजेला की लंबाई क्या है, समान है यहाँ भी और यहाँ भी, फ्लैजेला की लंबाई क्या है, समान है कि नहीं? तो इसे क्या बोला जाता है, आइसो कांटी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, आइसो कांटी बोलते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, इधर समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखते हैं दूसरा, हेटरो कांटी। ठीक, देखो फ्लैजेला जो होते हैं शेप और साइज दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, शेप एंड साइज। फ्लैजेला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैजेला आर डिफरेंट, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, जैसे हम आपको फिगर ड्रा करके बता दे रहे हैं, देख लीजिए फिगर में कैसे आ जाएगा, जैसे जैसे हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक, ये आपको दिख रहा है, ठीक, मान लो, ठीक, ये क्या है, अपर फ्लैजेला और क्या हो जाएगा, लोअर फ्लैजेला। ठीक, यहां पे आपको दिख रहा है, देखो ये कैसा पोजीशन है, एपिकल पोजीशन है, कैसा है, एपिकल पोजीशन माना जाता है। जब फ्लैजेला ऊपर से निकलता है तो एपिकल बोलते हैं, और जब फ्लैजेला बगल से निकलता है तो उसे क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब फ्लैजेला बगल से निकलता है तो क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं जो फ्लैजेला है ये इक्वल है, यहां पर फ्लैजेला क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल दिख रहा है ना आपको, ये अपर फ्लैजेला लोअर फ्लैजेला, जो अपर फ्लैजेला है इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, और लोअर फ्लैजेला जो इसकी लंबाई क्या है, कम है। तो फ्लैजेला क्या होते हैं, अलग है, और शेप भी इसका क्या है, अलग दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे इसी को, हेटरो कांटी बोला जाता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ये कैसा शेप होता है, किडनी शेप है, कैसा, किडनी शेप माना जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट में, पूरा का पूरा बता देते हैं, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा क्या लिखेंगे, क्या नहीं बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, पूरा का पूरा आपको डिटेल में बता दे रहे हैं लास्ट में, ठीक, एक लाइन में। आप लोग देखिए, जब तक आप लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे देखो, जो फ्लैजेला होते हैं पोजीशन के आधार पे बहुत सारे होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, यूनि बाई क्वाड्री मल्टी फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं, ठीक, देखो ठीक है, देखो ठीक, समझ आया, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ठीक, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आपको बता दे रहे हैं, किडनी शेप। ठीक, कैसा बन जाएगा, किडनी शेप स्ट्रक्चर। ठीक, ये देख लीजिए, ये ठीक, और यहाँ फ्लैजेला बना दे रहे हैं, ठीक, ये हो गया। ठीक है, और फ्लैजेला को क्या करते हैं यहाँ पे, टेंसिल बन, सॉरी टेंसिल बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग तुरंत देख के बता सकते हैं फ्लैजेला कैसा है, ठीक, फ्लैजेला के बारे में आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जब फ्लैजेला ऊपर की तरफ होता है तो क्या बोलते हैं, एपिकल फ्लैजेला, क्या बोलते हैं, एपिकल पोजीशन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एपिकल। ठीक, कितने फ्लैजेला है, दो, एक दो, क्या बोलते हैं, बाई फ्लैजलेट, क्या बोलते हैं, बाई फ्लैजलेट। ठीक, किस शेप में है ये आपको पता है, बाई फ्लैजलेट हो गया। ठीक, अब देखो फ्लैजेला क्या है, टेंसिल है कि विप्लैश है, आपको दिख रहा है, कैसे हैं, विप्लैश, क्यों, क्योंकि स्मूथ टाइप के हैं, क्या हो जाएगा, विप्लैश। ठीक, इतना समझ आ रहा है, क्या क्या हुआ, एपिकल बाइफ्लैजिलेट विप्लैश पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं
कैसा है? सबसे पहले कैसा है, इसका पोजीशन कैसा है? लैटरल पोजीशन में है। कैसे? लैटरल पोजीशन में। क्या लिखते हैं? लैटरल। ठीक, ये क्या है? बाइफ्लैजेलेट। यहाँ बाइफ्लैजेलेट है, यहाँ क्या लिखते हैं? बाइफ्लैजेलेट। क्या लिखेंगे? बाइफ्लैजेलेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे फ्लैजेला क्या है? देखो विप्लैश है, मतलब स्मूथ है, तो और यहाँ पे फ्लैजेला क्या है? टेंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंसिल। क्या हो जाएगा? टेंसिल। अब देखो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट में, इसमें क्या है? फ्लैजेला की लंबाई समान है कि नहीं देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? आइसोकॉन्टिक। क्या बोलते हैं? आइसोकॉन्टिक। बट सेकेंड में आप देखिए फ्लैजेला की लंबाई क्या है? डिफरेंट है, तो क्या बोला जाता है? हेट्रोकॉन्टिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोकॉन्टिक, हेट्रोकॉन्टिक बोलते हैं। ठीक, ये था पूरा का पूरा आपका फ्लैजेला इन एल्गी के बारे में। ठीक है, और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक, थैंक यू आप लोगों को।